हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो लाइव सेशन रहेगा उसमें हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं। कल जो मैंने लाइव सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्क्रीट ऑफ पाइल एंड पाइल गैप। एंड आज हम सीखेंगे कि अब जो सबस्ट्रक्चर का पार्ट है आपका पियर एंड पियर गैप, उसका कॉन्क्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो कल ये जीडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी थी किस तरीके से ये प्लान है एंड उसका ये एलिवेशन है। आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें आगे नेक्स्ट स्टेप जो हमने कल दो स्टेप्स में कंप्लीट किया था, सेम ऐसे पियर और पियर कैप का भी हम दो स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये मैंने बता दिया था कि 1000 डाया बोर्ड जो लिखा हुआ है ये आपका 1 डाया का पाइल है, देन उसके बाद पाइल कैप। अब ये जो पियर है बेसिकली आपका पियर का डाया आप देख लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है 1600। ये जो साइन आपको दिख रहा है सिंबल, ये बेसिकली डाया का सिंबल होता है, राइट? अगर आपने कैड किया होगा तो आपको पता होगा कि इस तरीके का सिंबल, हम इस तरीके के सिंबल को आपका डाया डिनोट करता है। तो 1600 mm जो है आपका इस पियर का डाया है। तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल में मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर क्लियर नहीं होता, राइट? अब उसके बाद सबसे पहले डाया ऑफ पियर, तो डाया ऑफ पियर कितना गिवन है 1.6 मीटर, 1.6 हो गया डाया ऑफ पियर। अब सेकेंड थिंग जो आता है आपका वो आता है कि इस पियर की हाइट कितनी है। अब हमें डाया तो पता लग गया, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना हैच्ड लाइंस, ये बेसिकली सर्कुलर पियर को डिनोट करेगी। ये पियर जो है वो सर्कुलर है, अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो यहाँ पे बेसिकली ये सिंबल नहीं आता जो ये डाया का सिंबल आ रहा है। डाया का सिंबल है, इट मीन्स ये जो पियर है ये सर्कुलर है। अब इस तरीके से मेरे को इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पियर की हाइट कैसे निकालेंगे? पियर की हाइट निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे को मेन कैरिज वे का FRL दे रखा है। FRL मतलब फिनिश रोड लेवल, ये जो सबसे टॉप का लेवल है ना, दिस वन, यहाँ पे आपको ये 65 mm थिक वियरिंग कोड दिख रहा है। तो ये बेसिकली आपका FRL है, FRL मतलब फिनिश रोड टॉप लेवल। देन उसके बाद आपके लेफ्ट सर्विस रोड का लेवल दिया, राइट सर्विस रोड का लेवल दिया और ग्राउंड का लेवल दिया। हमारे लिए सिर्फ सबसे ऊपर और ये जो 4 सेकेंड नंबर पे है बॉटम से, ये काम का है, यानी कि आपका ग्राउंड लेवल और आपका FRL। तो अगर अभी मैं A1 के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, यानी कि अबटमेंट के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, तो अबटमेंट की हाइट कितनी है बेसिकली, अबटमेंट की हाइट मैं कैसे निकालूंगी, उसके लिए मैं FRL और ग्राउंड लेवल सबसे पहले लिख लूँगी कितना कितना है। मैं एक के लिए निकाल रही हूँ, बाकी के लिए आपको खुद निकाल के देखना है। मैं ये ड्राइंग आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड अपने फ्रेंड्स को जल्दी से ये शेयर कर दीजिए वीडियो। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को लाइव पूछ सकते हैं। FRL अगर मैं देखूँ तो कितना गिवन है, FRL है 212.046 एंड ग्राउंड लेवल गिवन है 203.534। ऑल राइट, तो FRL ग्राउंड लेवल आ गया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। अब आपके पास सबसे टॉप में FRL है एंड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ग्राउंड लेवल है। हमेशा जो पियर होता है वो ग्राउंड लेवल से हम हमेशा 500 mm नीचे लेते हैं, यानी कि 0.5 मीटर नीचे लेते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो FRL से अगर मेरे को इस पियर की हाइट निकालनी है, FRL ग्राउंड लेवल, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, FRL में से ग्राउंड लेवल को माइनस कर दूँगी, देन उसके बाद उसमें से वियरिंग कोट माइनस कर दूँगी, फिर ये डेक स्लैब माइनस कर दूँगी, फिर ये जो गर्डर दिख रहा है आपको ये माइनस कर दूँगी, देन पेडेस्टल, देन ये जो पियर कैप आपको दिख रही है, ये ट्रैपेज़ॉइडल फॉर्म में जो दिख रही है पियर कैप, ये माइनस कर दूँगी। तो अगर ये सारी हाइट में माइनस कर दूँगी तो मेरे पास इसके टॉप का लेवल आ जाएगा। और जब मेरे पास पियर के टॉप का लेवल आ गया और ग्राउंड लेवल आ गया, तो उसमें से ग्राउंड लेवल को माइनस करके और उसमें 500 mm ऐड कर दूँगी। तो अब मैं यही करने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्टेप को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लिखूँगी वियरिंग कोट, वियरिंग कोट 65 mm का है, यानी कि 0.065 mm, ठीक है? देन उसके बाद आपकी डेक स्लैब, डेक स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रखी, यहाँ पे एंड में 400 है बट बीच में ये है 235, तो ये 0.235, ठीक है? अब इसके बाद आपका जो गर्डर है, गर्डर की हाइट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितनी है,
गर्डर की हाइट बेसिकली 1.5 मीटर है, ठीक है ना, 1.5 मीटर का गर्डर है। देन उसके बाद पेडिस्टल प्लस बियरिंग, ये दोनों मिला के आपका 500 mm कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, फिर इसके बाद आता है आपका पियर कैप की डेप्थ। पियर कैप की जो डेप्थ है वो कितनी है, 0.75 × 2, यानी कि 1.5 मीटर की डेप्थ है। ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ, ये सब मैं अबटमेंट की हाइट निकालने के लिए कर रही हूँ। अब मेरे पास सारे लेवल आ गए, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, FRL में से माइनस कर दूँगी किसको, माइनस सम ऑफ दिस। इतना समझ में आया, इतने में अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वियरिंग कोट को, डेक स्लैब को, गर्डर हाइट को, पेडिस्टल को और पियर कैप की डेप्थ को, इन सबको मैंने माइनस कर दिया, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया आपका ग्राउंड लेवल, और उसमें प्लस कर दिया मैंने 0.5 मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे। तो यानी कि मेरी जो अबटमेंट की हाइट आ गई वो कितनी आ गई, अबटमेंट की हाइट आ गई मेरी 5.212 मीटर। अब सिमिलरली मैंने आपको कल दो स्टेप बताए थे, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप में मैंने एरिया निकालना बताया था, तो वही जो पियर है वो आपका कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि वही सिलेंडर का जो हमने पाइल का सिलेंडर कंसीडर करके निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे। तो इसमें जो है आपका पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, मीन्स डी दिस 1.6 इसका स्क्वायर, ये निकल गया एरिया। अब मेरे को निकालना है कॉन्क्रीट, तो क्वान्टिटी निकालूंगी दिस इंटू ये जो हाइट है अबटमेंट की हाइट दिस। तो मेरी जो कॉन्क्रीट की क्वांटिटी आ गई वो आ गई 10.48 क्यूबिक, ठीक है, ये आ गया आंसर। तो ये बहुत ही इजी है, बस एक जो स्टेप है वो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट इज़ द हाइट ऑफ पियर, मैंने कैसे निकाला है, किस तरीके से निकाला है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले जो आपका FRL है उसमें से माइनस करा किस किस को, वियरिंग कोट को, डेक स्लैब को, गर्डर हाइट को, पेडिस्टल को और पियर कैप डेप्थ को। तो मेरे को यहाँ तक जो मिला, यहाँ तक मेरे को पियर के टॉप का लेवल मिल गया, उसमें से मैंने ग्राउंड लेवल माइनस कर दिया, यानी कि मैंने इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करके मैं यहाँ पे पहुँची, इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, फिर मैंने ग्राउंड लेवल माइनस कर दिया, उसमें मैंने 5 mm ऐड कर दिया, ओके। तो मेरे को इसकी हाइट मिल गई। इसकी हाइट मिलने के बाद कुछ नहीं करना, जस्ट एरिया निकालना है, और उसके बाद उस एरिया को लेंथ से, हाइट से, डेप्थ से, जो भी आप बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका यहाँ पे कॉन्क्रीट निकल के आ जाएगा। मैंने बोला था मैं सिर्फ 2 ही स्टेप्स में आपको बताऊँगी, और मैंने 2 स्टेप्स से ज़्यादा फॉलो किए भी नहीं। इन 2 स्टेप्स में आपने इसका कैलकुलेशन कर दिया कॉन्क्रीट का, बस जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो यही है कि आपको अबटमेंट की हाइट निकालनी आनी चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने निकाल लिया पियर का, कंक्रीट कैसे निकालते हैं। अब बात आती है पियर कैप की। पियर कैप इस तरीके से है, यहाँ पे पियर कैप का क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस में, ठीक है, ये आपकी पियर कैप है। तो पियर कैप जब आप देखेंगे प्लान में, तो प्लान ऑफ पियर कैप आपको ऐसा दिखेगा इस तरीके से, ऑलराइट। इसकी लेंथ है 12.3 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 3.5 मीटर। अब इसकी आपको डेप्थ देखनी है, तो मेरे को इसका क्रॉस सेक्शन AA और BB देखना पड़ेगा। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन AA देखती हूँ, AA आपका जो है लॉन्गिट्यूडनली काटा गया है, यानी कि इस मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में काटा गया है, मतलब इस तरीके से ट्रैफिक जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में काटा गया लॉन्गिट्यूडनली। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये पूरी हुई 12.3 और डेप्थ हो गई इसकी 0.75 आपका रेक्टेंगुलर में और 0.75 ट्रैपीजियम में, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको इसका बताऊंगी किस तरीके से निकालते हैं कॉन्क्रीट। और ये आपका साइड व्यू है, यानी कि ये आपका BB सेक्शन, BB मतलब इस सेक्शन से जब आप देख रहे हैं काट के, तो आपको इस तरीके का ये दिख रहा है। तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही आपकी 1500 की डेप्थ है और वेट आपकी कितनी है 3.5, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी कि ये 3.5 जो है वो आपको इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला व्यू दिखेगा, विड्थ वाला व्यू दिखेगा, ठीक है ना, ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला। तो अब मैं सबसे पहले लिख देती हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, लेंथ ऑफ पियर कैप, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। अब
लेंथ मैंने आपको बताई 12.3 मीटर है, विड्थ 3.5 मीटर और डेप्थ 1.5 मीटर। ऑलराइट, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को दो एरिया बनाने हैं। एरिया नंबर वन, जिसको मैं नाम दूंगी रेक्टेंगल का, एंड एरिया नंबर टू, जिसको मैं नाम दूंगी ट्रेपेजियम का। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले मेरे को रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल में किसको बोल रही हूँ, रेक्टेंगल में किसको बोल रही हूँ, दिस 0.75 तक की डेप्थ और ये 3.5। तो ये हो गया आपका दिस इंटू में दिस लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में डेप्थ का हाफ। तो ये आपका ऊपर वाले इसका एरिया आ गया। अब नीचे ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड तो यही आपकी लॉन्गिट्यूडनल वाली हो जाएगी यानी कि 12.3 प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, हाफ दिस प्लस पैरेलल साइड्स में आपका ये 1.6 यानी कि जो डाया है इसको मैं लिंक कर देती हूँ, दिस 1.6 प्लस 0.25 इंटू टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट कितनी होगी, हाइट होगी आपकी जिसमें टोटल डेप्थ है डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि मैं 0.75 अलग अलग लेके कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, तो मेरे पास जो टोटल एरिया आ गया वो आ गया दिस प्लस में दिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में विड्थ, ये रह गया था। ओके, तो ये आपका निकल गया 51, ये आ गया आपका एरिया टोटल। तो अब वही स्टेप नंबर वन तो हमारा यही हो गया जो हमने निकाला है, और स्टेप नंबर टू क्या हो गया, स्टेप नंबर टू हो गया आपका जो भी आपका ये टोटल एरिया आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही मल्टीप्लाई कर दिया है इसको विड्थ से। अगर मैं सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन एरिया देखती ना, तो दिस एल इन टू बी, दिस शुड बी एल इन टू बी, बट यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने डायरेक्टली कॉन्क्रीट निकाल दिया था वहाँ पर, उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी कॉन्क्रीट निकाल दिया था विड्थ से मल्टीप्लाई करके, बट अभी सिर्फ अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब दिस एरिया, ये जो आपको सिर्फ इस पिक्चर में दिख रहा है, अभी यहाँ का कोई रोल नहीं है, अभी सिर्फ इस पिक्चर का रोल है। तो इस पिक्चर का रोल आपका रेक्टेंगल में और ट्रेपीजियम में दो पार्ट्स में मैंने बता दिया, ये रेक्टेंगल हो गया ट्रेपीजियम हो गया, इसका टोटल जो एरिया आ गया वो ये आ गया। और उसके बाद इस एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी किसी विड्थ से, तो मेरे पास ये टोटल कॉन्क्रीट निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा। आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपकी जो भी डिमांड है वीडियो की किसी टॉपिक की, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। ये आपको अगर समझ में आया तो एक बार मेरे को थम्स अप कर दीजिए कि आपको ये समझ में आ गया है, ये मैं सेव कर दूँगी और आपको टेलीग्राम पे, मैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्रोडक्ट पर डाल दूँगी। ईयर एंड आप ये इजीली वहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, ये ड्राइंग है। कल हमने पाइल और पाइल कैप का कॉन्क्रीट निकालना सीखा था, आज मैंने आपको पियर और पियर कैप का बताया, गर्डर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद हम डेक स्लैब, डेक स्लैब में कुछ नहीं करना होता, एल बी एच है डेक स्लैब, तो बेसिकली सिंपली आपका, ठीक है, डाया ऑफ पियर, अबटमेंट, एफ आर एल, ये सब मैंने किया आपका पियर का निकालने के लिए, एंड ये सब मैंने किया पियर कैप का निकालने के लिए। सो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक बार इसको खुद से करके देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली कॉन्क्रीट निकालना कुछ नहीं होता, कॉन्क्रीट बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी भी मतलब सॉलिड जो शेप है उसका आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, बेसिकली कॉन्क्रीट क्वान्टिटी उसी को ही कहा जाता है, कि आप कोई भी मतलब फिगर है उसके अंदर आप कुछ फिल कर रहे हो, एंड देन वो जब सॉलिड बन चुका है तो आप उसकी क्वान्टिटी निकाल रहे हो कि वो कितना टोटल होगा। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, लाइव सेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपकी अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने लेके आऊँ एक्सप्लेन करूँ, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी आप मेरे हमारे इंस्टा पे, हमें टेलीग्राम चैनल पे, जितनी भी सोशल साइट है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।